आज मैं दिखाने जा रहा हूँ ऑटो लेवल। ऑटो लेवल से हम लोग लेवल मार्किंग करेंगे। जैसे ये जो हमारा स्ट्रक्चर देख रहे हो, तो इसका हम लोग सबसे पहले बताएंगे मतलब हमारा प्लिंथ का बॉटम कहाँ आएगा, उस हिसाब से हम लोग तुमको इसका लेवल देंगे। ये हमारा ऑटो लेवल है। ये देखो मशीन अभी हमारी पूरी सेंटरिंग हो चुकी है। यहाँ पर यह हमारा बबल है, बबल भी पूरा 0-0 है, मतलब मशीन हमारा पूरा यहाँ स्टेशन पर सेट है। इसके बाद हमारा एक साइड का वहाँ पर टेम्प्रोरी बेंच मार्क है, वो मैं दिखाता हूँ। ये हम लोगों ने यहाँ पे इसका TBM एक फिक्स किया हुआ है, टेम्प्रोरी बेंच मार्क यहाँ पे देख रहे हो। यहाँ पे हम स्टाफ रख के इसको हम लोग सबसे पहले बैक साइटिंग करेंगे। तो आइए हम दिखाते हैं आपको इसका बैक साइटिंग करके, फिर हम उसके बाद आपका लेवल देंगे इंडिविजुअल कॉलम पर, कहाँ कहाँ मेरा लेवल आएगा, किस लेवल पर मेरा प्लिंथ पास। हाँ तो देखिए वहाँ पर हमारे स्टाफ चले गए हैं, जो कि अभी स्टाफ लेके खड़े हैं। अभी हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, यहाँ से स्टाफ को वहाँ पे हम लोग रीडिंग पढ़ेंगे, जो उन्होंने TBM पे जो हमारे स्टाफ रखी हुई है उसका हमारा रीडिंग पढ़ देंगे। तो वहाँ पे हमारा उसका बैक साइड कितना आ रहा है, और जो भी सर्वे करने से पहले सबसे पहले हमको एक फॉर्मेट बना कर रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ आप ध्यान से देख रहे हैं, एक हमारा बैक साइड, उसके बाद इंटरमीडिएट साइड लिखेंगे, फोर साइड लिखेंगे, फिर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट लिखेंगे, फिर हमारा उसका कितना RL आएगा वो लिखेंगे। उसके बाद हम वहाँ से सबसे पहले अभी बैक साइड करेंगे। बैक साइड पे हम स्टाफ्स का रीडिंग पढ़ेंगे, हमारा कितना रीडिंग आएगा हम आपको अभी पढ़ के बता रहे हैं। हाँ तो ये देखिए यहाँ पे हमारा आपका वैल्यू आया आपका 495 के आसपास है, उतना अच्छा से अभी क्लियर आपका विजन नहीं आ पा रहा है। तो हमारा यहाँ से आपका बैक साइड कितना आ गया वो हम अभी आपको नोट कर। हाँ देखिए अभी हमने बैक साइड किया, जिसका वैल्यू आया था मेरा 0.495 मीन्स 495 mm, और हमारा जो वहाँ पे पहला जो TBM था उसका हमारे पहले से उसका हम लोग RL निकाल के रखे हुए थे, जिसका हमारा RL की वैल्यू थी 100.653। अब हम नेक्स्ट हम जाएंगे आपका ये जो स्ट्रक्चर यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा ऑलरेडी कॉलम खड़ा हो चुका है, इस पर अब हमको प्लिंथ का बॉटम का मार्किंग करना है। तो इसके लिए हम आप हाँ तो अब देखिए हमारा जिस RL पे जाना है, जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पे ऑलरेडी RL दिया हुआ है, कितना RL हमारा यहाँ दिया हुआ है 100.25, ये मेरा प्लिंथ बॉटम का RL है। अभी हमने इसका बैक साइड निकाला था 0.495, हमारे पास TBM का पहले से RL था कितना 100.653। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालेंगे। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, RL प्लस बैक साइड दोनों को ऐड कर देंगे। तो दोनों को ऐड करेंगे हम लोग, 100.653 प्लस 0.495, ये सब मीटर में है, तो हमारा कितना आ जाएगा 101.148, मेरा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल गया। अब इसके बाद अब हमको जाना है नेक्स्ट RL पे, नेक्स्ट RL हमारा कितना है 100.25 पे। तो मतलब यहाँ पे हमको RL आने के लिए तो हमको इसका चाहिए कि स्टाफ्स का हम लोग कितना रीडिंग पढ़ेंगे। तो आप लोग सर्वे में एक फार्मूला पढ़ा होगा, किसी भी पॉइंट्स का RL निकालने का मेरा फार्मूला कहता है RL इक्वल टू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस इंटरमीडिएट साइड या फोर साइड। तो यहाँ पर हमें चाहिए क्या, इंटरमीडिएट साइड का वैल्यू। इंटरमीडिएट साइड कहने का मतलब हमारा स्टाफ्स रीडिंग कितना आएगा। तो यहाँ पर हमारा किस RL पे हमें जाना है, 100 पॉइंट, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 100.25 ये हमारा वैल्यू इस RL पे हमें जाना है। इसका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट अभी हम निकाल चुके हैं कितना 101.148। अब हमें चाहिए इसका स्टाफ रीडिंग, इंटरमीडिएट स्टाफ का हमारा कितना रीडिंग हमको पढ़ना है। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे इंटरमीडिएट स्टाफ का रीडिंग कितना आ रहा है हमारा, 101.148 माइनस 100.25 इक्वल टू कितना है 0.898 मीटर। मतलब ये हमको इस स्टाफ्स पे उस कॉलम पे ले जाके, हमको इंडिविजुअल हर एक कॉलम पे ले जाके हमें ये वैल्यू पढ़ना है आपको, पॉइंट कितना 889 mm। जैसे ये देखिए 70 mm हो गया, ये 80 mm, यहाँ पे 898, यहाँ पे कितना है 80 mm, ये सब कितना 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 मीन्स 90। मतलब हमें ये जो वैल्यू है 0.898, ये वैल्यू हमें हर एक पे ले जाके इंडिविजुअल वहाँ पे इसे ऑटो लेवल के हेल्प से पढ़ना है। मतलब इस वैल्यू पे हमारा ऑटो लेवल का जो क्रॉस एयर जो आता है दोनों इसके बीच में यहाँ पे इंटरसेप्ट करना चाहिए। अब इसके लिए हम वहाँ पे अप करेंगे, तो जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हम लोग लेवल नीचे ले जाकर वहाँ पे हम लोग आपका लेवल मार देंगे, मतलब दाग दे देंगे, या तो बाइंडिंग वायर बांध देंगे या तो हम चौक से दाग दे देंगे। तो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं भाई कि वो हमारे इंडिविजुअल कॉलम पर चले गए हैं, आपको मैं अच्छे से दिखा देता हूँ। इस कॉलम पे हम लोग आपका प्रिंट का भी बॉटम मार्किंग करेंगे। ये हमारा स्टाफ लेके खड़े हुए हैं, हमारे इंजीनियर साहब हैं,
तो वहाँ से अभी लेवल लेंगे हम लोग, आपको बताएंगे किसका प्लेन बॉटम कहाँ पे आएगा। ये देखिए वो हमारा रीडिंग है, आप पॉइंट रीडिंग है हुआ कितना 0.898 का आ गया हमारा। वहाँ से हमने उसका स्टाफ्स का जहाँ पे हमारा ऑटो लेवल सेट है वहाँ से हमने उसका क्रॉस हेयर का यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा था, हमारा आया 0.89। मतलब मीन्स ये हमारा यहाँ से इतना अप है, यानी ये जो हमारा लेवल है ये आपका प्लिंथ का बॉटम लेवल होगा। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी देखिए पहले से आपका तार बांध दिया हुआ है। इसी तरह से सारा इंडिविजुअल कॉलम पर हम लोग सारा लेवल दे देंगे, उसके हिसाब से हम लोग आगे फिर वर्क अपना चालू करेंगे। तो ये है हमारा ऑटो लेवल से कैसे हम लोग लेवल देते हैं के बारे में मैंने आपको बताया। यदि इसके रिगार्डिंग आपको कुछ डाउट हो या कुछ पूछना हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं।